डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे असाइनमेंट का सोल्यूशन जो कि डीएलडी का है और ये असाइनमेंट बेस्ड है नंबर सिस्टम कन्वर्जन के ऊपर इसमें हम डेसिमल सिस्टम से डिफरेंट बेसिस में ट्रांसफॉर्म करेंगे जो गिवन नंबर हमारे पास होंगे लेकिन इसमें जो नंबर है वो रेगुलर नंबर उस तरह के नहीं है जिस तरह के हम करते हैं जीरो वन टू थ्री जिस तरह होता है पहले नंबर हमेशा जीरो पर आपको डिफरेंट नंबर असाइन किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डेसिमल नंबर से बेस थ्री में जाना हो तो बेस थ्री का मतलब है कि टोटल तीन नंबर होंगे जीरो वन और टू जिस तरह के डेसिमल में आपको पता है कि बेस टेन होती है और नंबर कहाँ से कहां तक होते हैं जीरो से लेकर नाइन तक और बाकी सारे नंबर इन्हीं के कंबिनेशन से मिल बनते हैं लेकिन अब हमें नंबर लेट सपोज यहां पर एक नंबर असाइन है और ये सोल्यूशन जो मैं आपको बताऊंगा इसमें हम नंबर लेंगे सेवन एट टू वन ये नंबर है और ये नंबर तब वैलिड होगा अगर हमने बेस थ्री या बेस फोर तक जाना हो अगर हम बेस थ्री तक जाएंगे तो हमें ये तीन नंबर कंसिडर करेंगे हम और अगर बेस फोर तक जाएंगे तो चारों के चारों डिजिट्स हम यूज करेंगे तो यहां पर जिस तरह लिखा हुआ है कि जो डिजिट जीरो है डिजिट जीरो का मतलब सबसे पहला डिजिट वो सेवन है तो यहां से आपने लेफ्ट से रीड करना है जो दूसरा डिजिट डिजिट है 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 वो नॉर्मली हमारे पास जीरो पहला डिजिट होता है, वन दूसरा होता है टू तीसरा होता है और थ्री चौथा होता है तो यहां पर हम कैसे यूज करेंगे ये जो जीरो डिजिट आपका होगा पहला डिजिट वो सेवन होगा जो वन वाला डिजिट होता है वो एट होगा जो टू वाला होता है वो टू रहेगा और जो थ्री वाला होगा वो वन कंसीडर होगा लेकिन वंस अगर हमने बेस फाइव सिक्स में जाना हो तो उसके लिए फिर हम नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि करेक्टर कंसीडर करेंगे ठीक है फॉर एग्जांपल जिस तरह ये नाम लिखा हुआ है हमजा दाऊद तो हमजा दाऊद के हम करेक्टर्स बनाएंगे और उसकी इंस्ट्रक्शन यहां पर लिखी हुई है लेकिन इसमें साथ एक बात लिखी हुई है कि अगर किसी के नाम के स्टार्ट में मोहम्मद आ रहा है तो फिर अपना वो जो सेकेंड नेम है वो यूज करे या कोई थर्ड नेम है तो वो यू भी यूज कर सकते हैं लेकिन मोहम्मद के करेक्टर को लिखने से अवॉइड आप करें ठीक है तो इसमें आप देखें यहां पर देखें लेट सपोज इसका नाम था हमजा तो आप नोट कर रहे हो जो, जो जीरो करेक्टर है जो डेसिमल में जीरो था अब वो किस से रिप्लेस हो गया एच से रिप्लेस हो गया जो फर्स्ट करेक्टर है यानी जो वन होता था डेसिमल के अंदर वो ए से रिप्लेस हो गया फिर इसी तरह जो थर्ड करेक्टर जिसको हम टू कहते हैं वो एम से रिप्लेस हो गया एंड एंडसोहन और इसमें एक चीज नोट करनी है कि आपने करेक्टर रिपीट नहीं करने क्योंकि जिस तरह जीरो से नाइन तक नंबर बिल्कुल डिस्टिंक्ट है यूनिक है उसमें कोई रेपिटेशन नहीं है तो यहां पर उसको avoid करने के लिए में दो में आते हैं, तो पहले वाले यानी यानी जो 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 आपका जो था, जो दूसरा होता है, वो capital A को, उसको कर दिया, और जो आगे A आ रहा है, उसको लोअर केस में लिख दिया और अगर दोबारा फिर ए आ रहा है तो उसको एट ऑपरेटर से आपने रिप्लेस कर देना तो पता है पांच करेक्टर यूज होंगे बेस एक्स में छह करेक्टर यूज होंगे तो यहां पर सेवन करेक्टर्स लिखे हुए हैं अगर आप नोट करें जीरो से लेकर सिक्स तक सेवन बनते हैं तो नॉर्मली आपका डी तक यूज होगा हम के की तरफ। यहां पर कुछ लिखी हुई है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेस थ्री में कौन से नंबर आएंगे बिल्कुल जो लेफ्ट मोस्ट पहले तीन नंबर हैं वो बेस थ्री में आएंगे बेस फोर में चारों के चारों डिजिट्स आएंगे जो कि सेवन ए टू वन आर एडी ये वाले डिस्कस कर चुके हैं हमने क्या करना होगा हमने इस टेबल को फिल करना है क्वेश्चन वन के अंदर तो यहां से डेसिमल सिस्टम से हमने बाकी बेसिस में जाना है बाइनरी में जाना है ऑक्टल डेसिमल में जाना है हेक्सा में जाना है ये वेल नोन बेसिस हैं और इस पर मेरे वीडियोस काफी डिटेल से ऑलरेडी मौजूद हैं जो वीडियोस मौजूद नहीं है वो बेस थ्री पर बेस फोर पर बेस फाइव और बेस सिक्स पर नहीं है और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशनल नंबर नहीं होंगे इस वजह से हम फोकस करेंगे इन बेसिस के ऊपर और बाकी बेसिस बहुत सिंपल है आप खुद भी कर सकते हैं ठीक है जी ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन और इसमें पचास तक आपने डेसिमल नंबर के अगेंस्ट बारहवे में लिखना है बेस बेस के पर ऑक्टा और क्वेश्चन में देखें तो इसमें हमने एक डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है बेस थ्री में कन्वर्ट करना है लेकिन हमने नोटेशन वही यूज करनी है जो नंबर हमें असाइन हुआ था यानी कहने का मतलब है कि सिंपल आप बेस थ्री में चले जाए जहां पर जीरो है वहां पर पहला डिजिट आ जाएगा जो कि सेवन था जब आपका वन आए तो उसकी जगह दूसरा डिजिट जो कि था, फिर जहां पर टू आए तो टू टू से रिप्लेस हो जाएगा हो कम से कम एक पार्ट हम करेंगे पहले क्वेश्चन के फिफ्टी तक आपने इसको कन्वर्ट करना है तो इसमें तकरीबन मैं आपको आइडिया दे दूंगा तकरीबन नौ दस जो है डेसिमल नंबर इनको कन्वर्ट करके बता दूंगा तो बाकी सारे आप उसी फैशन में फिर कर सकते हैं इसी तरह यह बाकी डिफरेंट जो है बेसिस में कन्वर्जन है तो आपने अगर थ्री फोर की कर ली तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी उसके बाद ये देखें यह भी सिंपल कन्वर्जन है जो आपका असाइन नंबर है उसको आपने थ्री फोर फाइव सिक्स में कन्वर्ट करना है और दोबारा फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं तो क्वेश्चन फोर में देखें यहां पर भी डेसीमल नंबर को कन्वर्ट करना है लेकिन आप डेसिमल नंबर किस में फ्रैक्शन पार्ट में देखें जीरो पॉइंट लिखा हुआ है जो लास्ट टू डिजिट्स हैं आपको असाइंड हुए हैं लेट सेवन एट टू वन जिस तरह था तो लास्ट लास्टेट कौन से होंगे टू वन, तो तो किसी को होगा, किसी का का होगा होगा कुछ और नंबर फ्रैक्शन पार्ट में तो इसको हमने दोबारा बेसिस में कन्वर्ट करना है और इस पर मेरे वीडियोस मौजूद कि किस तरह आप जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसको कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हमने इन डिफरेंट बेसिस की एडिशन करनी है तो हर क्वेश्चन का कम से कम एक पार्ट में आपको करा दूंगा और आर कम्प्लीमेंट आर वंस कम्प्लीमेंट पर डिटेल्स मेरी वीडियो मौजूद है आप ये भी देख सकते हैं और ये फिर आठवां नामवा क्वेश्चन उसी पर है ये नंबर मल्टीप्लीकेशन है इसमें भी एक पार्ट कर दूंगा डिवीजन भी परफॉर्म कर दूंगा बीसी एडिशन भी कर दूंगा इंशाल्लाह ठीक है और लास्ट थर्टीन क्वेश्चन भी जो ग्रे कोड के अंदर है वो भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन इसमें ये टेबल फिल करना है क्योंकि अगर स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ नहीं आती ना कि पूछा क्या गया तो फिर वो आगे अटेम्प्ट नहीं कर सकता उसका सोलूशन फाइंड नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअली क्वेश्चन में करना क्या है और ये काफी कंफ्यूजिंग सी असाइनमेंट है इसमें जब तक आपको बताया नहीं जाएगा तो फिर आप ये टेबल फेल नहीं कर पाएंगे टेबल फेल नहीं होगा तो आपके लिए फिर अगले क्वेश्चन में भी डिफिकल्टी काफी ज्यादा होगी तो यहां पर मैं लिखा ये क्योंकि इस्लामाबाद कैंपस में ये असाइनमेंट नॉर्मली दी जाती है बाकी कैंपस का मुझे नहीं पता लेकिन इस असाइनमेंट से आपकी लर्निंग इंशाला काफी ज्यादा होने वाली है इनशाला ठीक है जी तो नंबर हमारे पास है सेवन एट टू वन ये आपका जीरो की जगह नंबर है नॉर्मली हमारे पास नंबर क्या होते हैं जीरो वन टू थ्री ऐसे होते हैं और ये क्योंकि चार आपके पास डिजिट्स हैं तो ये बेस फोर तक ही वैलिड होंगे जब हमने डेसिमल नंबर को बेस थ्री या फोर में कन्वर्ट करना होगा तो फिर हम ये नोटेशन लेंगे जीरो की जगह कौन सा डिजिट है जी सेवन और वन की जगह कौन सा डिजिट है एट टू की जगह कौन सा टू ही है और थ्री की जगह कौन सा है वन तो ये चीज आपको पता होना चाहिए अगर आपको ये चीज पता है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा जब हमने बेस फाइव और सिक्स में जाना है तब हमने ये कैरेक्टर्स लेने हैं तो हमारा जो जीरो की जगह होगा ये जीरो को डिनोट करेगा ये वन को ये टू को ये थ्री को ये फोर को ये फाइव को और ये सिक्स को डिनोट करेगा क्योंकि बेस सिक्स तक जीरो से पांच तक ही हमारे पास डिजिट होते हैं तो उनकी जगह पर हम ये कैरेक्टर्स यूज करेंगे अब हम चलते हैं टेबल पर और टेबल को फिल करते हैं ये हमारे पास टेबल है इसमें आप देख रहे हैं कि डेसिमल नंबर बिल्कुल जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम वहां पर लिखे हुए हैं और इन नंबर्स को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में बेस थ्री फोर फाइव के अंदर तो ये देखें वैसे पचास तक नंबर हैं यहां पर मैंने थोड़े लिखे हैं बस आपको आइडिया देने के लिए कि, कि कन्वर्जन कैसे होगी अगर आप ये कन्वर्ट कर लेंगे ना तो फिर फिफ्टी तक भी आपके लिए बहुत आसानी से कन्वर्जन हो जाएगी अब इसमें दोबारा मैं मार्क कर लेता हूं कि जो जीरो डिजिट हमारे पास है और वन है टू है थ्री है तो जीरो किस पर मैप हुआ हुआ है सेवन पर वन किस पर है एट पर टू किस पर है टू पर और थ्री किस पर है वन पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये यूज होगी इस क्वेश्चन के अंदर तो सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट ये देखें वो तो बहुत सिंपल है बाइनरी में कैसे जाते हैं हम डेसिमल नंबर को क्योंकि बाइनरी की बेस टू होती है तो टू से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है ये जीरो वन है बस कंबिनेशन बनाना होता है इसके बाद क्या होता है वन जीरो होता है अगला क्या होता है बस इसको इंक्रीमेंट कर दें वन वन होता है जब हम फोर में जाएंगे तो फोर के लिए तीन बिट्स यूज होती हैं तो उसके बाद होगा वन डबल जीरो फिर आपने इसको बढ़ाना है तो आपके पास हो जाएगा वन जीरो वन फिर क्या हो जाएगा वन वन जीरो और ये क्या हो जाएगा वन 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 एंड सो ऑन और उसके बाद क्या होगा लेफ्ट मोस्ट वन जो है वो आपका रहेगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे जीरो तो एक्चुअल ये इस सिस्टमैटिक ऑर्डर में चेंज होते हैं लेकिन अगर आपको नहीं पता तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपने यूज करना है फॉर एग्जाम्पल हमने फाइव को कन्वर्ट करना है जी फाइव डेसिमल का है बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हम करेंगे कैसे डिवाइड 2 से, 2, 2, 2 2 से, तो से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन जीरो तो से ये वन जीरो वन लिख दिया असूल ये है अब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया लेकिन इस सिस्टमेटिक अप्रोच से भी आप कर सकते हैं तो अब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को बेस थ्री के अंदर

तो हम पहला डिजिट जो जीरो है उसको लिखेंगे अगला तो लेकिन हमारे केस में क्या, कौन से तीन नंबर थे हमारे केस में जीरो की जगह सेवन था फिर एट था और फिर टू थे तो ये हमने लिख लिए जो ही हम थ्री पर जाएंगे तो थ्री का मतलब है कि अब हमने एन डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है तो भाई अगर वैसे थ्री देखें तो वो हमारे पास वन जीरो बनता है कैसे वन जीरो बनता है ये देखें, ये थ्री लिखा और हमने इसको कन्वर्ट करना है छोटा है, तो 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 है तो इसका मतलब है हमारा नंबर जो डेसिमल में थ्री था अब कन्वर्ट हो गया किसमें बेस थ्री के अंदर कन्वर्ट हो गया और आंसर क्या आया वन जीरो अब देखिए वन कौन सा डिजिट है दूसरा डिजिट है तो one के देखें कौन सा डिजिट है एट और जीरो के लिए कौन सा डिजिट था seven. तो हमने यहां पर क्या लिख देना है वैसे तो अगर हम कन्वर्ट करते वन जीरो लेकिन अब हम लिखेंगे एट सेवन क्या लिखेंगे अब देखिए दूसरा डिजिट कंसीडर हुआ और इसकी फॉर्म में हमने लिखना स्टार्ट कर दिया अब हमने एट सेवन लिखा अब अगला कॉमन सेंस है वो ये हो गया एट एट फिर क्या होगा एट टू होगा एट एट चार के लिए और एट टू होगा पांच के लिए अब आप देखें सिक्स के लिए क्या आना चाहिए कि ऑलरेडी हो गया नेक्स्ट डिजिट कौन सा है टू तो यहां पर आएगा टू और टू के साथ पहला सेवन आएगा फिर क्या आएगा टू एट और फिर अगला क्या आएगा टू टू आएगा अब आप हैरान होंगे कि ये मैंने कैसे लिख लिया फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक डिजिट लेते हैं सेवन लेते हैं ठीक है जी तो सेवन को आप कन्वर्ट करें बेस थ्री में कैसे करेंगे थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री टूज और रिमाइंडर कितना आ गया वन तो क्या आंसर आया टू वन किस में बेस थ्री के अंदर लेकिन हमें पता है कि टू कौन सा डिजिट है जीरो डिजिट है। तो टू, था? टू, टू था के लिए था और वन के लिए किस पर पर मैप था एट पर। तो देखिए टू एट हमारे पास आया किसका का सेवन का तो सेवन का टू एट आया तो देखें हमने टू एट लिख दिया इसी तरह एट का क्या लिखा मैंने टू टू लिखा तो टू टू एट को कन्वर्ट करके देखें तो जिस तरह एट है तो थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री जार सिक्स, और देखें टू टू बचा तो टू टू का क्या मतलब है? कि इसी डिजिट को रिप्लेस करना है फॉर एग्जाम्पल तो टू टू तो हम सिक्सटीन को भी कर लेते हैं तो सिक्सटीन को बेस थ्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो सिक्सटीन को सबसे पहले तीन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा फाइव थ्रीन और रिमाइंडर वन उसके बाद देखें फिर आपका हमारे पास पांच बड़ा है तीन छोटा है तो फिर थ्री वन थ्री ठीक है जी तो ये क्या आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा टू तो हमारे पास नंबर बन गया वन टू वन और बेस थ्री के अंदर तो वन का मतलब क्या था हमारे पास कौन सा नंबर है वन के लिए भाई वन के लिए एट है और टू के लिए टू ही है तो हम लिखेंगे एट टू और फिर वन एट टू एट हमारे पास आ जाएगा बेस थ्री के अंदर जो नंबर हमें असाइन था तो हम यहां पर लिख देंगे एट टू एट एट टू एट तो इसी फैशन के अंदर आप बाकी सारा कंप्लीट भी कर सकते हैं इसका बाउंड्री कोड लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे सिक्सटीन का होता है वन जीरो 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 होता है इसी तरह बेस फोर का कैसे करेंगे भाई बेस फोर में टोटल चार डिजिट्स होते हैं तो हमारे पास चार डिजिट है जीरो वन टू थ्री और उसकी जगह यूज करेंगे सेवन एट टू वन पहले हम लिखेंगे जीरो की जगह सेवन और वन की जगह एट टू की जगह टू और थ्री की जगह वन ये एज इट इज आ जाएंगे अब फिर इनका कंबिनेशन होगा तो कंबिनेशन एग्जैक्टली exactly उसी तरह इसको पहले फिक्स करें तो हमारे पास आ जाएगा एट सेवन फिर आ जाएगा एट एट फिर आ जाएगा एट टू फिर, फिर आ जाएगा एट वन आपको याद होगा ना जब हम जीरो से नाइन तक जाते हैं उसके बाद हम क्या लिखते हैं हम लिखते हैं वन जीरो क्योंकि जीरो के बाद अगला नंबर है वो वन है फिर हम कहते हैं वन 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 टू वन थ्री अप टू वन नाइन करते हैं फिर टू जीरो ऑर्डर में भी यही हो रहा है ये आपके पास जीरो है वन है टू है थ्री है सही है फिर उसके बाद वन जीरो सो वन अब देखिए मैंने एटी वन लिखा है सेवन का ठीक है तो नॉर्मली प्रोसीजर क्या है सेवन को डिवाइड करें फोर से क्योंकि बेस फोर में कन्वर्ट करना है फोर वन आर फोर क्योंकि two eight, four two's eight करेंगे बड़ा हो जाएगा तो फोर वन फोर सेवन मैं थ्री हमारे पास वन थ्री आता है बेस four के अंदर तो वन के लिए कौन सा नंबर था था भाई eight था. और थ्री के लिए कौन सा नंबर था one था तो इसका मतलब है एट वन आना चाहिए तो हमने क्या लिखा हमने वही एट वन लिख दिया इसी तरह अगर हमने सिक्सटीन के लिए लिखना हो तो सिक्सटीन के लिए हमारे पास होगा सिक्सटीन को करेंगे फोर से डिवाइड फोर फोर सिक्सटीन और रिमाइंडर जीरो फिर फोर से फोर वन जार फोर और रिमाइंडर तो जीरो पास, तो मतलब तो पास आ गया एट डबल सेवन तो इस तरह बाकी भी आप फेल आराम से कर सकते हैं ये मैंने बेस थ्री और बेस फोर को कर दिया कंप्लीट अब जो बेस फाइव और सिक्स है ये टोटली totally बेस किस पर कर रहा है ये बेस आपका कर रहा है जनाब इन कैरेक्टर्स के ऊपर ठीक है तो अभी हम इसी ऑर्डर में लिख लेते हैं कि जीरो के लिए एच है वन के लिए ए है टू के लिए एम है तो बेस फाइव के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा नंबर जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव तो जीरो से फाइव तक क्यों लिखा मैंने क्योंकि बेस सिक्स में टोटल डिजिट्स यूज होते हैं तो इससे बेस फाइव भी कवर हो जाएगा और बेस सिक्स भी कवर हो जाएगा तो जीरो के लिए हम कौन सा कैरेक्टर यूज कर रहे हैं हमजा के लिए कैपिटल एच यूज कर रहे हैं फिर इसके लिए हम कैपिटल ए यूज कर रहे हैं इसके लिए कैपिटल एम यूज कर रहे हैं और इसके लिए कैपिटल सी यूज कर रहे हैं इसके लिए लोअर केस में ए या एट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए हमजा दाऊद था तो कैपिटल डी हमने यूज कर लिया अब हम बेस फाइव के लिए लिखते हैं बेस फाइव हम जो पांच डिजिट्स होंगे जीरो से फोर तक तो ये जो आपके एच से लेकर ए तक है ये किसके लिए होगा ये बेस फाइव के लिए डिजिट्स होंगे जब बेस सिक्स करना हो तो तब हमने डी को शामिल करना है सिक्स बेस का मतलब है टोटल डिजिट्स जीरो से पांच तक तब आपने शामिल करना है तो बेस फाइव के लिए हम जीरो के लिए क्या लिखेंगे हम जैसे जीरो ऐसे लिखते हैं तो लेकिन अब हमने ये वाले कैरेक्टर लिखने हैं एच ए एम कैपिटल जी और फिर लोअर केस में ये हमारे पास आ गया जी और उसके बाद जब पांच लिखना है तो मैंने क्या बोला था अब सेकेंड करेक्टर फिक्स हो जाएगा बाकियों को बाकी करें ये ए एच हो जाएगा फिर ए ए हो जाएगा फिर ए एम हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा ए जी हो जाएगा और ए ए हो जाएगा अब आप इसको करके देख लें कि नाइन के लिए ए ए कैसे होता है भाई भाई नाइन के लिए सिंपल है हमने किस बेस में जाना है बेस हमने फाइव में जाना है तो जब फाइव में जाना है फाइव वन आर फाइव और रिमाइंडर फोर तो हमारे पास बना वन फोर बेस फाइव के अंदर तो वन फोर के लिए देखें भाई वन के लिए हमारे पास क्या है वन के लिए कैपिटल ए है और फोर के लिए क्या लोअर केस में ए इसी वजह से मैंने क्या लिखा ए ए लिखा तो इसी ऑर्डर में आप आगे कंप्लीट करेंगे दो दो डिजिट आएंगे उसके बाद ये सारा जब चला जाएगा फिर एम फिक्स हो जाएगा एम एच एम 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 सो ऑन जब ये सारे हो गए फिर हमने तीन तीन करैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाना है एंड सोन। अब जो बेसिक्स है उसमें हम डी तक जाएंगे क्योंकि टोटल 6 करैक्टर्स हमारे पास हैं तो हम क्या लिखेंगे इसी तरह एच रहेगा ए रहेगा एम रहेगा जी रहेगा ए रहेगा रहे रहे और अब उसके बाद जो फाइव है तो उसके लिए ये वाला करैक्टर क्या है डी यह भी आएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे हम इस ए को फिक्स करेंगे ए एच ए एम ए, ए जी ए ए डी ठीक है तो यह हमारे पास आ जाएगा यानी हमारे पास क्या आएगा ए एच आएगा फिर क्या आएगा ए ए आएगा फिर ए एम आएगा ए जी आएगा ए ए आएगा और ए डी आएगा अब ग्यारह के लिए चेक कर लेते हैं ए डी कैसे आता है अब देखें ग्यारह लिखा और क्योंकि बेस सिक्स है तो सिक्स वन आर सिक्स और कितना रिमाइंडर आ गया पांच आ गया तो वन फाइव बनता है बेस सिक्स के अंदर तो वन के लिए हमारे पास कौन सा कैरेक्टर है ए है और फाइव के लिए कौन सा कैरेक्टर है डी है तो आप देखें

और एट के लिए क्या लिखेंगे अगेन वही वन जीरो देख लेंगे तो आपके पास वन सेवन ही बनेगा देखें फिफ्टीन है ना तो फिफ्टीन को कन्वर्ट करें जनाब बेस कौन सी है ऑक्टा की बेस आठ होती है तो एट वन जार एट और सेवन आ जाएगा रिमाइंडर वन सेवन तो देखें वन सेवन लिखा अब आगे क्या आएगा अब आगे 20 आएगा 20 देखो तो क्यों क्योंकि 16 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 8 2 16 और रिमाइंडर 0 देखें 20 फिर 21 22 एंड सो ऑन इसी तरह आपने कंप्लीट करना है और हेक्साडेसिमल में भी आपने इसी तरह कंप्लीट करना है लेकिन हेक्साडेसिमल में फर्क यह है कि 9 तक आपके डिजिट्स वही रहेंगे यानी ये 8 रहेगा यह आपके पास 7 रहेगा यह 6 रहेगा एंड सो ऑन

1, 3, तो हमने क्या लिखा वन थ्री में तो ये इस वजह से आपके बेस सिक्स में सिस्टमेटिक आप इस इस तो कि आपने डेसिमल से बाकी बेसिस में कैसे जाना है बाउंड्री के लिए ऑक्टा के लिए सेम प्रिंसिपल बेस थ्री और फोर के लिए हमने ये नंबर लिया था बेस थ्री के लिए सेवन ए टू और फोर के लिए सेवन टू वन लिया था और जो बेस फाइव और सिक्स थी उसके लिए हमने कैरेक्टर्स लिए थे जो भी आपको कैरेक्टर्स आसान होते हैं जो आपके नाम के हैं आप उसी ऑर्डर में लिखें लेकिन वो डिजिट कोई उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए यू हैव टू मेक श्योर ठीक हो गया जी अब हम जो क्वेश्चन टू है ना उसका पहला पार्ट करते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर क्वेश्चन टू का मैं पहला पार्ट कर रहा हूं बाकी पार्ट आप इसी तरह ही करेंगे ठीक है अब इसमें हमने इस डेसिमल नंबर को बेस थ्री में कन्वर्ट करना है आप ऑलरेडी वैसे बेस थ्री में कन्वर्ट कर चुके हो क्योंकि टेबल आपने फिल किया था तो उसमें थर्टी फोर डेमल में आया था तो वो आपका आंसर क्या आना चाहिए यहां पर बताता हूं देखिए है और हमने जाना है बेस थ्री के अंदर बेस थ्री में जाए तो थ्री थ्री को कैसे कर मल्टीप्लाई करें थ्री को करते हैं इलेवन से इलेवन थ्री थर्टी थ्री रिमाइंडर कितना आ गया वन फिर थ्री से करेंगे थ्री थ्री नाइन रिमाइंडर आ गया टू और फिर थ्री से करेंगे थ्री वन झार थ्री और रिमाइंडर क्या आ गया जीरो तो हमारे पास जो नंबर बना वो थर्टी फोर था हमारे पास डेसिमल में हम गए किस में बेस थ्री में और नंबर हमारे पास क्या आया वन जीरो टू वन ये नंबर आया लेकिन अब आप आपको पता है कि हमारे पास नंबर कौन सा था क्वेश्चन वन में जो हमें असाइन था वो था सेवन एट टू वन सेवन किसके लिए था जीरो के लिए वन के लिए टू के लिए थ्री के लिए

ठीक हो गया जी अब इसी तरह जब बेस फोर आएगी तो उसका भी इसी तरह करना है अगर बेस फाइव का क्वेश्चन हो और बेस सिक्स का तो उसकी जगह बस कैरेक्टर लिखने हैं जहां पर जीरो आएगा वहां पर एच कैरेक्टर लिख देना है आपने आंसर में यहां पर वन आएगा वहां पर ए करेक्टर यहां पर टू आता है वहां पर एम करेक्टर यहां पर थ्री आता है फिर कैपिटल z और अगर फोर आता है तो छोटा ए और अगर फाइव आता है तो फिर कैपिटल डी

उसके बाद क्या करेंगे फिर ऑर्डर में, वन जीरो वन, वन जीरो में ही ये जो तीन तीन का कॉम्बिनेशन है ये आपने बनाना है और चार का बनाना है ठीक है जी तो टेबल आपका इस तरह हो जाएगा और यहां पर आप सिंपल उसको वेरीफाई कर रहे हैं मैनुअल तरीके से अब क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर हमने जो असाइन नंबर था डेसिमल के अंदर उसको कन्वर्ट करना है इन सारी बेसिस के अंदर और दोबारा फिर कन्वर्जन करनी है टू गेट द डेसिमल नंबर अगेन तो हमारे पास नंबर क्या था 7, 8, 2, था अब ये डेसिमल के अंदर है अब इन सारी बेसिस में कन्वर्ट करें तो यहां पर मैं एक बेस में कन्वर्ट करता हूं बेस सिक्स में और बाकी आप खुद ही कर सकते हैं तो लिखते हैं सेवन ए टू वन और यहां पर बेस सिक्स में जाना है तो सिक्स क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो करेंगे डिवाइड सिक्स वन सिक्स तो ये हमारे पास नंबर बन गया जी इस ऑर्डर में तो नंबर क्या बनता है वन डबल जीरो वन अगर यहां पर जीरो तो उसको इग्नोर कर सकते हैं लेकिन क्योंकि यहां पर वन है तो हमने लिखा है 1001, और आगे क्या है जी वन और थ्री ये नंबर हमारे पास आ गया किस बेस में बेस बेसिक्स के अंदर अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे ये आपके पास जीरो डिजिट होता है ये वन होता है टू थ्री फोर और फाइव तो सिंपल आप ये करना है वन इन टू क्योंकि बेसिक्स है वन इन सिक्स की पावर फाइव प्लस ये सारे जीरो इग्नोर कर दें प्लस ये वन है तो पावर टू है तो सिक्स की पावर टू प्लस ये सिक्स की पावर वन और थ्री की पावर क्योंकि जीरो है तो थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स की पावर जीरो आपके पास आ जाएगा तो अगर हम इनको ऐड करें हमारे पास एग्जैक्टली बनता है सेवन एट टू वन टू द बेस टेन तो इस तरह आपने कन्वर्ट करना है लेकिन ये कन्वर्जन का प्रोसेस है ये आपने क्लीन करना है मैंने बस सिंपल आपको बताने के लिए कर दिया कि ये प्रोसेस है आप इसको क्लीन करके यहाँ पर लिख सकते हैं दोबारा तो इसी तरह आप बाकी बेसिस में भी कर सकते हैं अब क्वेश्चन फोर के अंदर हमने क्या करना है हमने जीरो पॉइंट लिखा हुआ है और जो लास्ट टू डेट्स हैं हमारे पास असाइन नंबर के वो क्या थे एट सेवन टू वन तो टू वन हमारे पास आ जाएगा यानी जीरो पॉइंट टू वन और ये डेसिमल के अंदर है और हमने इन बेसिस में कन्वर्ट करना है तो अगेन मैं बेस सिक्स कर रहा हूं एंड रेस्ट ऑफ बेसिस आप खुद कर सकते हैं और दोबारा फिर हमने किस में कन्वर्ट करना है के ये जो नंबर तो नॉर्मली क्या तरीका होता है करने का वो ये होता है कि सबसे पहले हम इस नंबर को जो फ्रैक्शनल पार्ट है उस बेस से मल्टीप्लाई करते हैं वो बेस कितनी है सिक्स तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा वन पॉइंट टू सिक्स तो हमने क्या करना होता है हमने ये जो बोला जो वन है इसको रखना होता है और दोबारा नंबर क्या बनेगा इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे यानी को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा वन पॉइंट फाइव सिक्स यहां से वन आ जाएगा फिर हम करेंगे पॉइंट फाइव सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स तो हमारे पास आ जाएगा थ्री पॉइंट थ्री सिक्स यहां से थ्री हमने कंसिडर कर लिया और फिर 0.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 2.16 यहां से 2 एंड सो ऑन चलते जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इधर से आप स्टार्ट करना है इस डायरेक्शन से जब हम डिवीजन करते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं ठीक है तो हम लिखेंगे क्या 0. ये क्या आया 1132 और डिजिट्स ऐसे जा रहे हैं ये हमने किस में कन्वर्ट किया जी ये हमने बेस 6 में कन्वर्ट अब हम वापस अगर जाएंगे तो हमें आंसर मिलना चाहिए। अब रिवर्स प्रोसेस के लिए आप फोर इस इस तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे ये जो वन लिखा हुआ है वन मल्टीप्लाई करेंगे किसकी पावर सिक्स की पावर माइनस वन प्लस अगेन वन इंटू सिक्स की पावर माइनस टू

तो आप देख रहे हैं कि हमारा आंसर जो था बेस टेन में वो पॉइंट टू वन ही था और हमें जो इस मिला मिला वो भी अगर हम टू डिजिट्स को लिखना चाहें क्योंकि तो मैंने राउंड ऑफ किया आप अगर राउंड राउंड ऑफ ऑफ ना करें ये 6 -6 था यहाँ पर भी डिजिट को मैंने round off किया तो अगर वो हम एग्जैक्टली तीन तीन डिजिट्स भी लिखें तो हमें आंसर मिल जाता है तो इस तरह वेरीफाई भी कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में लेक्चर का भी लेंथ ही हो गया तो चार क्वेश्चन मैंने डिटेल समझा दिए जो नेक्स्ट पार्ट टू होगा इस लेक्चर का तो पार्ट टू के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कोई क्यूरी हो रिगार्डिंग द सोलूशन ऑफ दिस असाइनमेंट यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन या मुझे ईमेल आप कर सकते हैं और डॉट फास्ट एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है जी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें अल्लाह हाजिजन